ओके okay. तो देखिए कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू तो अभी हम लोग समझेंगे कि आई का मेंबरशिप हम लोगों को किस तरीके से लेना है तो सबसे पहले आई का मेंबरशिप किसको लेना पड़ेगा सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं तो आई का मेंबरशिप आप तब लेते हो जब आप लाइक इफ यू आर कॉन्फिडेंट दैट यस यू वॉन्ट टू परस्यू द कोर्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट एंड फैकल्टी ऑफ एक्चुअरीज यू एंड द इंस्टीट्यूट अलाउज यू टू आइदर अपीयर फॉर सी एम वन और अपियर फॉर सी एस वन एज एग्जामिनेशन एज अ नॉन मेंबर ठीक है तो अगर मान लीजिए आपने अपना पहला एग्जाम दे दिया है वो आपका क्लियर हो गया है तो आपको मेंबरशिप के लिए अप्लाई करने का रिक्वायरमेंट है एंड अगर मान लीजिए आप अप्रैल में दो पेपर्स दे रहे हो लाइक इफ यू आर अपियरिंग फॉर सी एम वन सी एस वन सी एम वन सी बी वन या फिर वॉट एवर इज अब तो आपको आई एफ ओ का मेंबरशिप के लिए अप्लाई करना इज कंपल्सरी ठीक है आप या तो सी एम वन या फिर सी एस वन एज अ नॉन मेंबर दे सकते हो आप दोनों एज अ नॉन मेंबर नहीं दे सकते हो अगर आपने सी एम वन अपियर किया हो आपका वो क्लियर नहीं होता है आप अगर दोबारा सीएम वन के लिए ही अप्लाई करना चाहते हो तो आपको मेंबरशिप लेने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मेंबरशिप का रफली uh, जो फीस है आई एन आर में इट इज रफली ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज ओके दैट इज

ओके okay. या फिर अगर मान लीजिए आपके कार्ड से पेमेंट नहीं हो रहा है यू कैन मेक एन अकाउंट इन पेपर एंड देन यू कैन पे और यू कैन अरेंज फॉर एन एम कार्ड और यू कैन चेक विथ योर बैंकिंग लाइक आपका जो बैंक का जो ब्रांच है आप उसमें जाके चेक कर सकते हो ठीक है तो uh, जैसे बहुत लोग मेरे को बोल रहे थे अभी हम लोग को मेंबरशिप लेना पड़ेगा क्या तो इसका मैंने ऑलरेडी आंसर दे दिया है अगर इससे रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेरी है तो आप लोग प्लीज हैंड रेस करके पहले मेरे से पूछ लीजिए कि आप लोग को मेंबरशिप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए प्लीज यू ऑल कैन गो एड इफ एनी वन इजिंग एनी क्वेरी प्लीज रेज यूर हैंड यस नूरुल नूरुल जी बोलिए यस बोलो नूरुल पहले बोलो हाँ प्लीज बी एर क्विक हाँ क्विक हाँ नहीं 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 पहले पहले के जो सारे मैं आपको बता दे रहा हूं माइक ऑफ कीजिए पहले के जो सारे एग्जाम्स थे वो विद्रॉ कर लिए गए हैं तो अब ऐसा है कि आपको 2021 तक जो आपने पेपर्स दिया है ठीक है

आईदर फ्रॉम आई आई और आई एफ हो तो दोनों इंस्टीट्यूट से क्लियर माना जाएगा मैं उसका एग्जामेशन लेता हूँ एक ही इंस्टीट्यूट को पकड़ के चलो बिकॉज एग्जाम्शन पॉलिसीज नहीं है एंड एक ही पेपर को दोनों जगह से देकर कोई मतलब भी नहीं है ठीक है तो आईदर इट इज गोइंग टू बी आई एफ इट इज गोइंग टू बी आई आई बिकॉज द एग्जामेशन पॉलिसी इज ओनली टिल योर सेप्टेंबर ट्वेंटी वन टर्म एग्जामिनेशन ठीक है तो अगर आपने एसेट के लिए अप्लाई किया तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि आप आईएफओए का भी मेंबरशिप के लिए अप्लाई करो ठीक है ये स्तुति बोलो से फिर से हाँ हम्म हाँ हाँ आप ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है हाँ 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 आप कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है ठीक है हाँ ओके तो अब जैसे देखिए मेंबरशिप लेने का प्रोसेस इज वेरी सिंपल आप लोग गूगल में जाके टाइप कर सकते हो यू कैन टाइप इन गूगल आई एफ ओ ए मेंबरशिप ठीक है मैं आपको दिखाता हूँ आप अगर गूगल में टाइप करते हो जैसे मैं बैक करके दिखाता हूं मैंने क्या टाइप किया था ये रहा। मैंने यहाँ पर टाइप किया आई एफ ओ मेंबरशिप तो जो फर्स्ट आइकन खुल रहा है मैंने उस पर क्लिक किया है ठीक है यहाँ पर एकदम नीचे में जब आप आओगे ज्वाइन द आई एफ ओ टूडे ठीक है अच्छा आप जब मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो आपको उसी समय पेमेंट करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आप पेमेंट आपका जब मेंबरशिप कन्फर्म होगा जो कि रफली दो से तीन हफ्ता लगेगा कन्फर्म होने में तो तीन हफ्ते के अंदर अंदर आपका मेंबरशिप कन्फर्म हो जाएगा फिर आपको उस समय पेमेंट करना है अभी आपको कोई पेमेंट नहीं करना है अभी तब अप्लाई कर रहे हो ठीक है और पहले का एक क्राइटेरिया था कि आपको मैथ्स में 85 प्लस चाहिए बट अब वो क्राइटेरिया नहीं है अब ऐसा कोई आई एफ का क्राइटेरिया नहीं है कि आपको आपको मैथ्स मैथ्स में 85 प्लस ही चाहिए तो ये आपको तो ये मेंबरशिप मिलेगा आपका 12 का मार्क्स अब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है ओके तो आइए अब यहां पर जैसे यहां पर बहुत सारे सिंपल स्टेप्स है सबसे पहले क्रिएट एन अकाउंट आप जैसे यहां पर एकदम नीचे आओगे ना तो आप यहां पर माई एप्लीकेशन में जा सकते हो ठीक है तो जैसे मैंने माय एप्लीकेशन में गया लॉग इन एंड एन अकाउंट तो जैसे बहुत लोगों का आई एफ ओ एज अ नॉन मेंबर आपने पहले अगर एग्जाम दिया है तो आप लॉग में जाओगे बिकॉज आपको ऑलरेडी एक एआरएन मिल चुका है एआरएन का मतलब होता है आपका आइडेंटिटी एक्चुअल रेफरेंस नंबर तो अगर आपके पास में ऑलरेडी आपका एआरएन है तो आप लॉग में जाओगे लेकिन आप एकदम फर्स्ट टाइम अगर फ्रेश अप्लाई कर रहे हो तो फिर आप क्रिएट अकाउंट में जाओगे ठीक है आप जब क्रिएट अकाउंट में जाके अपने बेसिक डिटेल्स डालते हो फॉर एक्जाम्पल मैं यहां पर क्रिएट अकाउंट में गया आपका यूजर नेम ई एड्रेस फर्स्ट नेम लास्ट नेम ठीक है यूजर नेम आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो ठीक है तो अगर कोई भी वैसा डिस्क्रिपेंसी होगा तो वो लोग आपको वहां पर बता देंगे कि ये यूजर नहीं नहीं है फिर वगैरह वगैरह तो अब जैसे मान लो आप पर अपना बेसिक डिटेल्स डालोगे तो आई आपको एक दिन 24 फोर आवर्स के अंदर अंदर आपको एक ARN असाइन करेगा ठीक है और वो एआरएन के थ्रू फिर आपको लॉग करना है तो फर्स्ट स्टेप कि आपको एआरएन मिला है कि नहीं मिला है अगर आपको ए आर एन मिल गया है तो बहुत अच्छा बात है तब तो, तो, फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है लेकिन अगर आपको ए आर एन नहीं मिला है तो फिर आप लाइक क्रिएट अकाउंट में जाके पहले बेसिक डिटेल्स पुट करोगे फिर आपके मेल ए आर एन नंबर आएगा और फिर आप ए आर एन के थ्रू लॉग इन में जाओगे ठीक है तो ये एकदम पहला स्टेप हो गया ठीक है अब जैसे मान लो मैं लॉग इन में क्लिक करता हूं तो मैं यहां पर अपना एआरएन और पासवर्ड डालूंगा उसके बाद में ये तो आपका पहला स्टेप हुआ ठीक है तो ये ये वाला आपका पहला स्टेप हुआ उसके बाद में देखो क्या लिखा है यू विल बी आस्ट टू क्रिएट अ यूजर नेम एंड एंटर योर ईमेल एड्रेस फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम यू विल be एन ई मेल टू द एड्रेस यू एंटर that contains इंस्ट्रक्शन ऑन वैलिडेटिंग your आई एफ ओ आपके मेल पर पहले आपको अपना ई मेल एड्रेस को वेरीफाई करना पड़ेगा बिकॉज सारा जो भी कम्युनिकेशन होता है वो कॉल के थ्रू नहीं होता है वो ई मेल के थ्रू होता है तो आप अपना ई मेल आई डी को वेरीफाई करोगे एंड आपको एक पासवर्ड सेट करने बोला जाएगा दैट इज अ फर्स्ट टाइम पासवर्ड आप उस पासवर्ड को सेट कर सकते हो फिर आप आई एफ ओ क्या फिर आप क्या कर सकते हो आप वहां पर आराम से लॉग इन कभी भी कर सकते हो जैसे मेरा एक ए आर एन और मेरा एक पासवर्ड है उस लॉग इन आई डी पासवर्ड के थ्रू कभी भी लाइक लॉग इन कर सकता हूँ अपने आई अकाउंट में ठीक है तो ये वैलिडेट वाला हो गया आप पासवर्ड क्रिएट कर लिए उसके बाद आपसे आपका पर्सनल डिटेल्स मांगेगा तो आप अपना पर्सनल डिटेल्स पुट इन कर देना जो जो आपसे मांग रहे हैं। आपका एम्प्लॉयमेंट अभी तो आप लोग मोस्टली एम्प्लॉयड नहीं हो तो आप लोग एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स में कुछ भी नहीं डालोगे ठीक है आपसे आपका एडुकेशन डिटेल्स मांगेगा अभी जैसे आप कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हो तो वो डिटेल्स आप डाल देना आपसे पूछेगा आप, आप कॉलेज में क्या क्या पढ़ रहे हो तो आपका जो मेजर तीन चार सब्जेक्ट है ना वो सब आप लिख देना फॉर एक्जाम्पल मैंने बी ऑनर्स किया तो मैंने लिखा था अकाउंटेंसी मैथमेटिक्स स्टेटिस्टिक्स ओके मेनली आपको ये दिमाग में रखना है कि

Uh, जो है ये दोनों चीज आपके उसमें रहना ही चाहिए बाकी आप जो भी दो तीन सब्जेक्ट एक्स्ट्रा आप जो भी डालो उससे कोई दिक्कत नहीं है अच्छा एक और चीज आपसे ये लोग मांग सकते हैं कि आपका ग्रेजुएशन कब होगा फॉर एग्जाम्पल मेरा ग्रेजुएशन ईयर आई सेवनटीन शिवांगी मैं ने 2019 में हमने टू थाउजेंड नाइनटीन में ग्रेजुएट किया तो अगर अभी कोई बच्चा फर्स्ट ईयर में है तो आप लोग को आपका ग्रेजुएटिंग ईयर तो पता होगा ना तो वो आप डाल देना वहां पर आर यू गेटिंग इट आपसे पूछेगा आप कब ग्रेजुएट हो गए ठीक है तो वो ग्रेजुएटिंग डाल देना And subjects का मैंने आपको अभी फिर से 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 बता दिया बार बार में से मत पूछना पक्का से डाल देना बाकी जो भी चीज है फॉर मैं ऐसा बिलीव नहीं कर सकता हूं कि आप कोई भी ऐसा फील्ड हो जिसमें आप मैथ्स नहीं हो मैथ्स और स्टार्ट मैथमेटिक्स तो डाल देना बाकी अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स से हो तो दो तीन वहां का सब्जेक्ट डाल देना चार से पांच सब्जेक्ट क्वाइट सफिशियंट ओके उसके बाद में पेमेंट मेथड तो पेमेंट मेथड में आप हमेशा कार्ड वाले में क्लिक करना बिकॉज ये ये जो बैंक ये जो बैंक ट्रांसफर और सब है है ना इसमें क्या है कि बहुत झमेला रहता है तो आप कार्ड वाले में क्लिक करना कार्ड जनरली सबके पास में होता है इंटरनेशनल कार्ड ठीक है एक्चुअल आपका कोई भी नॉर्मल क्रेडिट कार्ड बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं तो क्रेडिट कार्ड से भी हो जाता है ठीक है तो आप वहां पर कार्ड में टिक कर देना क्योंकि बैंक ट्रांसफर वगैरह में आपको पहले बैंक में जाके वो लोग का लाइक बैंक डिटेल्स रहता है वहां पर तो आप पहले वहां पर आपको बैंक में जाके पेमेंट करना पड़ेगा उसका रिसिट अपलोड करना पड़ेगा तो वो सब में बहुत जमेला है सिंपल कार्ड पेमेंट के थ्रू आप अपना उसमें क्लिक करिएगा ठीक है उसके बाद में आपको एक रेड्यूस्ड रेट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए मेंबरशिप का टोटल कॉस्ट मैंने आपको कितना बताया मैंने आपको मेंबरशिप का टोटल कॉस्ट बताया 208 पाउंड ठीक है अब उस 208 पाउंड का ना एक ब्रेकअप है इट इज 73 थ्री प्लस वन तो 73 जो है वो आपका हर साल लगेगा बहुत लोग मेरे को बोल बोल के परेशान कर दिए मेंबरशिप का फॉर्म भरवाओ का फॉर्म भरवाओ मैं बोला रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ आज वो दिन आया है आ गया वो दिन आज ही है क्यों क्योंकि कल 31 अक्टूबर था कल 31 अक्टूबर था 31 अक्टूबर को आई का साइकिल रिन्यू होता है

ठीक है तीन हफ्ता के बाद जो भी एक्शन लेना होगा तीन हफ्ता के बाद अच्छा मेंबरशिप फॉर्म में सबसे अच्छा देखो यहां पर 135 लिखा हुआ तो तो ये तो 135 तुम्हारा वन टाइम कॉस्ट हुआ ये तुमको एक बार पे करना है और एक 73 पाउंड मतलब लगभग लगभग सात हजार रुपया मतलब तेरह हजार और सात हजार मैंने आपको बीस हजार रुपया बोला तो जो सात हजार रुपया वो तुम पे करो ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू का

तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा हम लोग क्या है गरीब क्या है हम लोग कमेंट बॉक्स में बताओ हम लोग गरीब हैं तो गरीब लोग के लिए आई ने बोला कि हम लोग आपसे पूरा पैसा नहीं लेंगे हम लोग आपसे रेट में पैसा लेंगे सर मेरे पापा के पास तो बहुत मेरे पापा के पास ऑडी है तो हम लोग गरीब कैसे हुए बेटा तुम्हारे पापा के पास में तुम्हारे पास में थोड़ी ना है चीज को समझो बाहर में फॉरन में ये सब बहुत होता है हम लोग के घर में बहुत रिश्ता और ये सब सब वो जो होता है ना इमोशनल वहां पर वो लोग उतना वैसे नहीं करते ठीक है तो वहां पर बाप अलग बेटा अलग समझ लो तुम्हारा इनकम का बात हो रहा है यहां पर इफ योर इनकम इज लेस देन सेवन थाउजेंड पाउंड सात लाख रुपया इफ योर इनकम इज लेस देन सेवन लाख रुपीज देन यू नीड टू फिल द रेड्यूस रेट फॉर्म अब तुमसे पूछेगा अरे भाई अगर तुम्हारा इनकम कुछ है ही नहीं जैसे तुम लोग सब तो बच्चे हो छोटे छोटे तुम लोग सबको क्या मालूम सबको क्या मालूम कि पैसा कैसे कमाया जाता है तो तुम लोग सब वहां पर क्या डालोगे एनुअल इनकम में डालोगे जीरो. जब का भरोगे, तो एनुअल इनकम जीरो अगर तुम्हारा इनकम जीरो है तो तुम खाते क्या हो पीते क्या हो रहते कहां पर हो वट इज योर सोर्स ऑफ लिविंग तो तुम लोग वहां पर लिखोगे माँ बाप मतलब पेरेंट्स वहां पर लिखना पड़ेगा पेरेंट्स ठीक है तो वहां पर तुम लोग को लिखना पड़ेगा डिपेंडेंट ऑन पेरेंट्स मैंने तुमसे पूछ रहे कि तुम किस पर डिपेंडेंट हो तो वहां पर पेरेंट्स लिखना पड़ेगा ठीक है अब तुमको वो लोग डराएगा तुमको बहुत लोग होता है आज जैसे मान लो बहुत लोग ऐसा भी होता है जो लोग का इनकम बीस लाख पच्चीस लाख होता है लेकिन वो लोग फिर भी रेड्यूस रेट भरता है तो वहां पर तुम लोग को वो लोग डराएगा चेतावनी देगा चेतावनी ये देगा अगर आपको पकड़ लिए ना तो देखना डरना मत डरना मत बिल्कुल भी ठीक है तो इसीलिए रेट बोलेगा वहां पर एक टिक करना पड़ेगा ध्यान से पढ़ लेना धमाल में देखियो वो बोलता है आपको लाल बटन दिख रहा है तो बोलता दबा दिया बोलता नहीं दबाना था तो वैसे ही यहां पर भी है इस पूरे फॉर्म में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है रेट वरना मेंबरशिप भी भरना पड़ेगा चालीस हजार पेपर का भी लगेगा चालीस हजार समझ रहे हो बात को तो समझो बात को तो क्या है कि रेट में सबको भरना है फॉर्म ठीक है अगर कोई वर्किंग है तो वो देखेगा कि उस, क्या उसका इनकम सात लाख से ज्यादा है एंड जिन लोगों का भी इनकम सात लाख से ज्यादा है मतलब इफ देयर इनकम इज मोर देन सेवन टू थ्री जीरो कोट करते हैं इफ योर एनुअल इनकम इज मोर देन सेवन टू थ्री जीरो पाउंड फुल रेट अगर ऐसा कोई भी है तो वो लोग प्लीज पहले मेरे को कॉन्टेक्ट करेंगे व्हाट्सएप में पर्सनल चैट में फ्री मेंबरशिप फॉर्म भरेंगे आप लोग जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं अगर वो लोग को लग रहा है नहीं भाई मेरा तो दस लाख का नौकरी है पंद्रह लाख का नौकरी है तो मेरा तो फुल रेट प्लीज पहले मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना फ्री लेकिन जो बच्चे हैं छोटे छोटे जो बच्चे हैं कॉलेज में जो पढ़ रहे हैं जिनके भी दूध के दांत भी नहीं टूटे वो लोग को जीरो भरना है और पेरेंट्स लिखना है ठीक है जीरो भरोगे और पेरेंट्स लिखोगे ये हो गया तो रेड्यूस रेट का सब्सक्रिप्शन भरोगे वो लाइन बाय लाइन फिर कुणाल पंजवानी क्या तुम्हारा इनकम सात लाख से ऊपर है कुणाल पंजवानी क्या तुम्हारा इनकम सात लाख से ऊपर है तो फिर क्यों पूछ रहे हो मैं क्या बोला जिन लोगों का इनकम पंद्रह लाख है उन लोगों को डरना पड़ेगा अगर वो लोग रेड्यूस्ट्रेड भर रहे हैं तो तुमको थोड़ी बोला और मेरे कोचिंग सेंटर से जिनका भी इनकम सात लाख के ऊपर है वो लोग पहले मेरे को कांटेक्ट करेंगे व्हाट्सएप में फ्री मेंबरशिप का फॉर्म भरेंगे ठीक है ओके okay. फिर डिक्लेरेशन मांगेगा कि तुम कसम खाओ कि तुमने जो भी इंफॉर्मेशन भरा है सच भरा है सच के सिवा कुछ नहीं भरा है तो ये सब सब जहां जहां टिक बोलेगा कर देना एंड

Uh, तो देख लेना मतलब मेरे को कॉन्टेक्ट बता देना ग्रुप में बता देना ठीक है आई एम नॉट वेरी श्योर कि मेल पे कंफर्मेशन आता है कि नहीं आता है कि आपका सबमिट हो गया बट आना चाहिए लॉजिकली आना आना चाहिए चाहिए एक सबमिट वाला वो चीज़ ठीक है है कि कि मेल पे आया आपका मेंबरशिप एप्लीकेशन हमने हमको मिल गया है ठीक है तो वो एक ऑटोमेटेड वाला वो लोग का आना चाहिए अगर नहीं आएगा तो मेरे को ग्रुप में बताना पर्सेंजर में नहीं ग्रुप में जो भी क्वेरीज होगा ग्रुप में पोस्ट करोगे आई एफ एम्बरशिप वाला में ठीक है तो ये वाला हो गया बाकी तो सब ठीक है पर्सनल uh, सब कुछ ठीक है डेट ऑफ बर्थ ये सब सब कुछ अच्छा से भरना ठीक है यही सब है और कुछ नहीं है तो आप लोग स्टार्ट कर सकते हो सीएम वन ये व्हाट्सएप पे लिखो बेटा श्रीकर श्रीवत्स जो भी लिख रहे हो एक तो मैंने आपका क्वेरी सॉल्व कर दिया सीएम वन अगर कोई फर्स्ट टाइम लिख रहा है नहीं, नहीं भरना है अगर आपका सीएम वन पहला पेपर है तो आपको नहीं भरना पड़ेगा मेंबरशिप ठीक है तो दैट्स इट फ्रॉम द सेंटर प्लीज सब लोग एकदम अच्छे से मेंबरशिप फॉर्म भरो और अगर आपको कोई भी क्वेरी होता है तो प्लीज ग्रुप में ही पोस्ट करो उसको ठीक है एंड वंस यू आर डन प्लीज राइट इन आई एफ आई मेंबरशिप ग्रुप दैट आई हैव सबमिटेड माय एप्लीकेशन ठीक है एप्लीकेशन सबमिट कर दीजिए मेरा बात को मानिए नहीं तो एक बार बहुत भीड़ हो जाता है फिर प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लगेगा अभी इज द राइट टाइम फिर लास्ट डेट मैं आपको बोल रहा हूँ आज भर दीजिए लास्ट डेट के बारे में मत सोचिए ठीक है फॉर्म आज भर दीजिए ठीक है हाँ प्रेरणा बोलो हम्म वही तो मैं बोल रहा हूं अभी जो आप पे हैं वो ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू का वो तो मैंने आपको बोला हाँ हाँ हाँ, हाँ। अच्छा एडुकेशन डिटेल्स तो नहीं सर एडुकेशन डिटेल्स तो नहीं मांगा हाँ वेरी गुड हर्ष नानोली कोई दिक्कत नहीं नहीं मांगा तो नहीं मांगा पेमेंट जैसे आपका जब कंफर्म हो जाए उसके दो से तीन दिन के अंदर पेमेंट कर देना ठीक है? बेटा hmm. yes, बोलो, once बोलो, रिगार्डिंग आई एफ आई मेंबरशिप यस और नो ठीक है तो भरना स्टार्ट कर दो चलो टाटा बाय बाय और कोई भी क्वेरी हो तो ग्रुप में पोस्ट कर देना चलो बाय